डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी उत्तर प्रदेश शासन के एक पार्ट बनने जा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण दायित्व तो आपके ऊपर आने जा रहा है। बोरिंग टेक्नीशियन के रूप में कार्य करने की, जैसे कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा का सीम कृपा वाला प्रदेश है, अत्यंत रुबरा राज्य है, इसलिए क्योंकि पर्याप्त जल संसाधन हमारे पास प्रदेश के अंदर मौजूद है। और इस पर्याप्त जल संसाधन के पीछे का जो कारण है वह हमारे पास ग्राउंड वाटर भी है, भूजल भी हमारे पास मौजूद है और सरफेस वाटर भी है, यानी सदाबहार जो नदियां हैं, सदा निरा नदियां भी हमारे सामने मौजूद हैं। तो स्वाभाविक रूप से नदियों का जो एक प्रवाह है या भूगर्भीय जल हमारे पास जो प्रचुर मात्रा में मौजूद है, इसने उत्तर प्रदेश की धरा को देश और दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि के रूप में स्थापित करने में अपनी मदद की है। और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की जब हम सिंचाई की बात करते हैं तो सिंचाई की आपूर्ति की दृष्टि से अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर 70% सिंचाई जो हमारी होती है वह ग्राउंड वाटर से होती है, भूजल से होती है। शेष अन्य जो सिंचाई होती है वह 30% सिंचाई के लिए हम लोगों ने नहरें बिछाई हैं, गोल बिछाई हैं, अन्य चीजें हैं, उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं। पेयजल में 80% आबादी ऐसी है जिसको हम भूगर्भीय जल से ही ट्यूबवेल से जल की आपूर्ति करते हैं। और उत्तर प्रदेश अब तो औद्योगिकीकरण के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग कम थे तब भी और आज भी उद्योगों में जो जल की आपूर्ति होती है या जो लोग जल खर्च करते हैं उसका 85% भूगर्भीय जल ही होता है। आप इसके महत्व को समझ सकते हैं कि प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा कितनी अमूल्य निधि हमें दी गई है। अब इसकी स्थिति हमारे पास वही है कि विरासत में हमें समृद्ध जल संपदा मिली, लेकिन इसके संरक्षण का दायित्व भी हमारा होना चाहिए। जैसे बैंक है और बैंक में हम केवल निकालते जाएं और जमा नहीं करेंगे तो खजाना खाली हो जाएगा। आज जो सबसे उर्वरा भूमि है अगर उसके लिए कृषि के लिए सिंचाई न हो, पशुधन के लिए पेयजल की व्यवस्था न हो, मनुष्यों की आबादी के लिए पेयजल की सुविधा न हो, वीरान हो जाएगा, जंगल हो जाएगा, यानी एकदम बंजर जैसा हो जाएगा। हमें एक ओर पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति करनी है, लेकिन साथ साथ एक एक बूंद पानी की, चाहे वह वर्षा का पानी हो, चाहे वह उपयोग होने वाले पानी के एक एक बूंद का उपयोग करते हुए उसका संरक्षण भी करना, उसका उचित नियोजन भी करना, ये दोनों कार्य आपके होने चाहिए और आपके माध्यम से इसकी उचित ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेक अभियान प्रारंभ किए, अटल भूजल योजना प्रदेश के अंदर उसी प्रकार की एक योजना है, चेक डैम का निर्माण भी करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भी अनेक प्रयास प्रारंभ हुए हैं और इन प्रयासों में हमारा भी अपना योगदान होना चाहिए। केवल सहायक टेक्नीशियन, बोरिंग सहायक टेक्नीशियन के रूप में
ट्यूबवेल को ऑन करना ट्यूबवेल को ऑफ करने तक ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जल के संरक्षण और उचित नियोजन की व्यवस्था के साथ हमें स्वयं भी जुड़ना होगा और लोगों को भी जोड़ना होगा। अगर हम लंबे समय तक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो याद रखना कि इसका लाभ भी मिलेगा और उत्तर प्रदेश को प्रकृति और परमात्मा की जो असीम कृपा मिली है यह इस अमूल्य संपदा जल के कारण ही मिल पाई है। और याद रखना, जल के बगैर तो जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती, की नहीं जा सकती। आज के समय मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जब वर्षा देर में आती है तो हमारे पास जल है, हम उसका उपयोग करके खेती बाड़ी अपना सफलतापूर्वक कर लेते हैं। इसी बार में देख रहा था, गत वर्ष भी देख रहा था, मानसून लेट में आया लेकिन लोगों ने धान की बैठोनी समय पे प्रारंभ कर दी थी। कारण है उनके पास सिंचाई के साधन थे, कहीं नहरें थी, कहीं पे ट्यूबवेल थे, कहीं पे अन्य सुख सुविधाएं थी। परिणाम है सामान्यतः प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में किसानों को बहुत संकट नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि बिजली की आपूर्ति भी हो रही थी, ट्यूबवेल भी चल रहे थे, नहरों में पानी भी था, तो हर जगह जहां कहीं हम जाते थे फसल लहलाती भी दिखाई देती थी। लेकिन यह स्थिति हर राज्य के पास नहीं है, हर देश के पास इस प्रकार का सौभाग्य नहीं है। लेकिन जब प्रकृति देती भी है तो उसके संरक्षण का दायित्व भी हमें निभाना पड़ेगा। और उस दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रदेश के अंदर जो भी ये सुविधाएं हैं हमारे पास, क्योंकि आज जो पेयजल की व्यवस्था भूगर्भीय जल से हम लोग पानी ले रहे हैं, ग्राउंड वाटर को हम लोग ले रहे हैं, कितना अंतर आ जाता है। आजादी के समय उत्तर प्रदेश में केवल 6 करोड़ लोग निवास करते थे, 6 करोड़ लोग पानी कहीं से भी ले लेते थे, हैंडपंप छोटा वाला बना हो या बड़ा वाला बाद में आ गया, लोग बोरिंग भी कर लेते थे, अपना ट्यूबवेल लगा लेते थे, सिंचाई भी कर लेते थे, उस जल का इस्तेमाल भी कर लेते थे, तालाब का भी पानी छान करके लोग पी लेते थे। लेकिन आज उस जल के संरक्षण की उचित व्यवस्था न होने के कारण एक तो पॉल्यूशन की समस्या खड़ी हुई, दूसरा आबादी भी 6 करोड़ की तुलना में आज 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उद्योगों का एक लंबा उखड़ा हुआ है, तो 70% सिंचाई के साथ साथ 80% लोगों की पेयजल की आपूर्ति भी हम भूगर्भीय जल से ही कर रहे हैं, 85% उद्योगों के लिए भी भूगर्भीय जल की आपूर्ति, भूगर्भीय जल का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके संरक्षण के लिए कहीं अमृत सरोवर की स्थापना के कार्य हुए हैं, अटल भूजल योजना के अंतर्गत भी जल संरक्षण के लिए अनेक कार्य प्रयास प्रारंभ हुए हैं, चेक डैम बनाने के कार्यक्रम भी हुए हैं। ये सभी कार्यक्रम इसलिए जिसलिए हम जो प्रदेश के अंदर अति दोहित विकास खंड हैं, जनपद हैं, उनको सामान्य जनपदों के रूप में स्थापित कर सके, सेमी यानी क्रिटिकल को सेमी क्रिटिकल में बदलना, डार्क को क्रिटिकल और फिर सेमी क्रिटिकल और फिर सामान्य जनपदों में लेके आना, जिससे प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई समस्या जल की समस्या ना होने पाए, पेयजल हो, सिंचाई हो या फिर उद्योगों के लिए कहीं भी ना हो। क्योंकि अगर हमें रोजगार सृजन करने उद्योग लगना भी आवश्यक है, लोगों का पेट भरना है तो सिंचाई के लिए भी आवश्यक है, और जीवन को कुशलतापूर्वक संचालन करना है तो पेयजल के लिए भी जल आवश्यक है। इन सब में इसकी आवश्यकता है, लेकिन हमें अपनी इस जिम्मेदारी को भी, नागरिक कर्तव्य के रूप में इस जिम्मेदारी को भी समझना होगा कि हमें जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा। और जल संरक्षण के लिए किए जाने वाले केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों के साथ टेक्नीशियन को भी, बोरिंग टेक्नीशियन को भी जुड़ना होगा, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, वे लोगों को जोड़े। ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान में हर घर नल की योजना लागू हो रही है। याद करिए उत्तर प्रदेश में जहां पे सबसे न्यूनतम स्तर पर
हर घर नल योजना थी, आज वह हर घर तक पहुंच रही है। तो जितना ये पानी दोहित होगा इतना जाना भी तो चाहिए वहां पे, इसके प्रयास होना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था के लिए प्रयास प्रारंभ करना। नगरीय क्षेत्रों में हम लोगों ने नगर निकायों को इस बात के लिए बाध्य किया है, कोई सरकारी भवन हो, एक क्षमता से बड़ा भवन कोई बनाता है तो उसको हम इसके साथ जोड़ने का कार्य करें। और ये प्रयास जब हमारे आगे बढ़ेंगे, इस सफलीभूत होंगे, तो लंबे समय तक हम भूगर्भीय जल का उपयोग भी करने की स्थिति में होंगे और लोगों के जीवन स्तर को उठाने के साथ साथ हमारी नदियां भी सदा नीरा रहेंगी, लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी, सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी और उद्योगों को भी पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि अगर डार्क जोन है तो स्वाभाविक रूप से बोरिंग नहीं कर पाएंगे, अगर वह क्रिटिकल में आ गया है तो भी एक चैलेंज, एक हमारी चेतावनी होती है, सेमी क्रिटिकल भी एक चेतावनी होती है। हमें इन सब से उभरने के लिए भी अपनी तैयारी इसके साथ करनी पड़ेगी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश में जो बड़े पैमाने पे हम लोगों ने इसके लिए कार्रवाई प्रारंभ की है, अपने अन्नदाता किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर व्यापक पैमाने पर तैयारी की, बजट में प्रावधान किए गए, लघु सिंचाई के नए कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा सके बजट में इसकी भी व्यवस्था की गई, किसानों को उनकी उपज को दोगुना करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान में हम सब भी अपना योगदान दे सकें, इसके लिए भी सरकार ने उन्हें जैसे सिंचाई की सुविधा नहरों से मिलती है, फ्री में मिलती है, अगर निजी नलकूप बनाए हैं तो उससे भी हमारा प्रयास हो कि हम उनको न्यूनतम दर पर या फ्री में पानी उनके यहाँ पहुंच सके। इसके लिए बिजली की आपूर्ति करना, वहां के माध्यम से फिर पेज उनको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ा देना, ये कार्य युद्ध स्तर पर प्रदेश में जहां चल रहे हैं वहीं आप सबकी ये नियुक्ति, ये बहुप्रतीक्षित नियुक्ति है। आईटीआई आपने किया होगा, कुछ लोगों ने डिप्लोमा किया होगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और नियुक्ति की प्रक्रिया के बाद आपका सिलेक्शन हुआ। आज 242 सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की नियुक्ति पत्र हम यहां पे वितरित कर रहे हैं, ये वास्तव में आपके लिए एक अवसर है, लेकिन अवसर हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी बार बार एक बात को कहते हैं, अधिकार की बात तो हर व्यक्ति करता है लेकिन हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और कर्तव्य भी हमें तय होने चाहिए कि हाँ अधिकार से महत्वपूर्ण कर्तव्य है, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो हमारा अधिकार स्वयं सुरक्षित हो जाएगा। जब समाज अपने अधिकारों की बात करता है, जब कोई व्यक्ति कोई समुदाय अपने अधिकारों की बात करता है और कर्तव्यों की बात नहीं करता है तो फिर वह स्वयं को धोखा देता है। और मैं आप सबसे आह्वान करूंगा पहले हम कर्तव्यों की बात करें, आप कर्तव्य की बात करेंगे तो आपका अधिकार आपके लिए स्वयं सुरक्षित होगा। आपने कर्तव्य किया, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से किसी को भी सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया और उस भर्ती की प्रक्रिया के फलस्वरूप आपका चयन होना आज इस बात का प्रमाण है। भाइयों बहनों, इसी प्रक्रिया के तहत पिछले 6-6.5 वर्ष में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और कितने पारदर्शी तरीके से सारे कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। 2022 में दूसरी बार प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आई, इसमें हम लोगों ने जूनियर इंजीनियर सिंचाई और जल संसाधन विभाग के 1438 जो लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित अभ्यर्थी थे उनका चयन किया। प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की 436 पदों की भी नियुक्ति की कार्रवाई को पूरा किया, 271 खंड विकास अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी पूरा किया, 49 उप जिलाधिकारी, 110 नायब तहसीलदार,
31,277 सहायक अध्यापक बेसिक शिक्षा, 1,160 डिप्टी कलेक्टर बीएसए, प्रवक्ता समीक्षा अधिकारी गन्ना पर्यवेक्षक इनकी नियुक्ति हुई, 267 फिर नायब तहसीलदार प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा किया गया, 325 नायब आबकारी जो सिपाही हैं उनकी नियुक्ति हुई, 1,354 स्टाफ नर्स की हुई, 431 वरिष्ठ प्राविधिक सहायक कृषि सेवा, 9,055 सब इंस्पेक्टर जिसमें सिविल पुलिस के भी हैं, प्लाटून कमांडर पीएसी के हैं और अग्निशमन अधिकारी भी थे, 496 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित पीसीएस 2021 के जो चयनित अभ्यर्थी थे उनको नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य भी किया गया, 795 जो विभिन्न विभागों से जुड़े हुए नौ चयनित अधिकारी थे उनकी भी नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम हुआ, 7,182 एएनएम की भर्ती भी हुई, 1,148 उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक, 277 आरक्षी उत्तर प्रदेश पुलिस यानी ये कुशल खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व चैंपियनशिप में, ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, एशियाड में मेडल प्राप्त किए थे, उन कुशल खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई भी यहाँ पर दो चरणों में एक बार 277 की हो चुकी है और दूसरी बार भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर ऐसे ही खिलाड़ियों को जो 333 दूसरी बार में हम लोगों ने चयनित किए यानी कुल 500 ऐसे खिलाड़ियों का अब तक हम चयन कर चुके हैं जो कुशल खिलाड़ी हैं उनका भी चयन प्रदेश के अंदर हम लोगों ने किया है, 510 समीक्षा अधिकारी, 400 समीक्षा अधिकारी समीक्षा कार्यशाला अनुदेशक और कनिष्ठ सहायक के रूप में, 1,573 एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ती के रूप में, 240 कनिष्ठ सहायक और 293 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, ये नियुक्ति की प्रक्रिया हम लोगों ने नई सरकार आने के बाद प्रदेश के अंदर कुशलतापूर्वक अब तक हम लोगों ने संपन्न किया है। भाइयों बहनों अगर आप पिछले 6 वर्ष में देखेंगे 6 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर ही सरकारी नौकरी मिली और प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण निजी क्षेत्र में भी केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेते हुए डिजिटल इंडिया का, स्टार्टअप की योजना का, स्टैंडअप की पीएम स्टैंडअप की योजना का या पीएम स्वनिधि योजना का अनेक प्रकार से लाभ लेते हुए इन कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का काम भी हुआ। आज परिणाम हम सबके सामने है कि प्रदेश के अंदर लाखों नौजवानों को प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली, स्वतः रोजगार के साथ करोड़ों लोगों को जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई। ओडीओपी की योजना, पीएम विश्वकर्मा या उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना हो या फिर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना, इसने करोड़ों लोगों को अपने साथ रोजगार के साथ जोड़ते हुए उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर भी किया है। सरकार की मंशा स्पष्ट है और स्पष्ट मंशा एक ही है कि किसी भी युवा के साथ कोई भेदभाव न हो, पारदर्शी तरीके से इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता वे हर एक मुद्दे का राजनीतिकरण करने का प्रयास करते हैं और वे लोग नहीं चाहते कि विकास की प्रक्रिया में बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश को इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ा सके, उनके बैरियर होंगे। दुर्भाग्य है कि जिस राज्य को देश के अंदर अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में 2017 के पहले तत्काल होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ मौजूद था, वो राज्य पिछड़ता गया। 2017 में ये देश की 6ठे स्थान पर था। यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। आप जैसे नौजवान प्रदेश में तो नौकरी नहीं पाते थे,
लेकिन प्रदेश के बाहर कोई जाता था और अगर उसने बता दिया कि उत्तर प्रदेश के हैं तो फिर लोग पहले उसकी छटनी करके बाहर कर देते थे, पहचान का संकट अलग खड़ा कर दिया था। यानी प्रदेश के अंदर तो शोषण होता ही तो होता था, प्रदेश के बाहर जाने पर भी पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। आज जब पहचान के संकट से उभर करके आज उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश का नागरिक देश के अंदर कहीं भी जाएगा, लोग सम्मान की दृष्टि से उसके साथ पेश आते हैं और सम्मानजनक व्यवहार भी करते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि आपके साथ जुड़ी है। दूसरा, पारदर्शी तरीके से अपने ही राज्य में नौकरी भी है, रोजगार भी है, स्वतः रोजगार भी है। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील होगी, हमारा परिश्रम हमारा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होगा और हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में जो पंचप्रण की बात की, वे पंचप्रण में याद रखना कि परंपरागत उद्यम भी है, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विकसित भारत की परिकल्पना हम सबके दिमाग में होनी चाहिए। विकसित भारत बनेगा कब? जब गुलामी की मानसिकता से हम उभरेंगे, जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य या भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करेगा, कांट छांट नहीं बल्कि अपनी प्रतिभा का सम्मान करते हुए उसके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएगा, एकता और एकीकरण के लिए कार्य करना और अंत में नागरिक कर्तव्य, हर नागरिक का समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व। हमारा दायित्व कि हमारा देश दुनिया का एक विकसित देश बनना चाहिए, हर नागरिक का दायित्व। हमारा देश विकसित हो, हमारा देश सुरक्षित हो, हमारा देश समृद्धि की पराकाष्ठा को प्राप्त करे, ये हर भारतवासी का संकल्प होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी ने इन 5 संकल्पों के साथ ही हम सबको जोड़ा और इसमें नागरिक कर्तव्य के रूप में जहां जो व्यक्ति है वहीं पर अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के रूप में आपका दायित्व क्या? जलापूर्ति करने के साथ साथ जल के संरक्षण की दिशा में भी प्रयास प्रारंभ करना, लोगों को इसके लिए जोड़ना, ट्रेनिंग देना। हर एक व्यक्ति एक एक बूंद पानी का संरक्षण करेगा, बरसात के पानी का भी हम संरक्षण करेंगे, शासन की योजनाओं की जानकारी वहां पर देंगे। अगर ये सभी कार्य कुशलतापूर्वक हो पाएंगे तो न केवल बोरिंग टेक्नीशियन के पद की महत्व बनी रहेगी बल्कि आने वाले समय में जो एक बड़ा स्कोप इसमें होने जा रहा है, जब हम पेयजल की स्कीम के साथ हर घर नल की योजना के साथ चलेंगे, व्यापक पैमाने पे प्लम्बरिंग, प्लम्बर, टेक्नीशियन, इसकी आवश्यकता समाज को पड़ेगी और उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने में एक बड़ी ताकत खड़ी होने में आपको मदद मिलेगी। आप समाज को बहुत कुछ देने की स्थिति में होंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से नियुक्ति पत्र आपको प्राप्त हुआ है, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आपका यह नियुक्ति पत्र आपके और आपके परिवारजनों की खुशहाली का आधार भी बनेगा और समाज की खुशहाली का आधार भी बनेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।